Assalamualaikum and hello to all the viewers, all the bikers, all the tourers. जी व्यूअर्स, सबसे पहले आपसे शेयर करूं कि 300 किलोमीटर्स मैंने इस पर पूरे कर दिए और कोशिश, क्योंकि यही थी कि ईद से पहले कम से कम जो इसका 500 किलोमीटर्स वाला ऑयल है वो तो मैं रिप्लेस कर दूं। और 300 किलोमीटर तक क्या मैंने फील किया वो आपसे शेयर करूं, क्योंकि उसमें एक दो पॉइंट्स ऐसे वाकई हैं जो शेयर करने वाले हैं और जो डिफरेंस मैंने व्यूअर्स इस पे नोट किया। और बिल्कुल जी, और कहाँ पे मैं इसकी रनिंग, यानी वैसे तो मुश्किल होता है, इस्लामाबाद से व्यूअर्स मैं फिर निकल जाता हूँ भारा कहूँ, और भारा कहूँ से आगे जो यानी मरी की एक्सप्रेस वे, और रात के वक्त, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर भी अच्छा होता है, और इसको फिर वहाँ पे मैं चलाता हूँ। और याद रखिए कि कभी एक कांस्टेंट स्पीड पे ना चलाए, यानी इंजन का आरपीएम ऊपर नीचे होते रहना चाहिए, ये मस्ट है। तो जी, इनफैक्ट रोड पे थोड़ा देखना भी पड़ता है। हाँ जी व्यूअर्स, जो मेन चीज़ मैंने इसकी नोट की वो मैं आपसे शेयर करूं कि जैसे चढ़ाई आए मरी एक्सप्रेस वे पे जाते हुए, जैसे चढ़ाई आए तो ये फिफ्थ गियर में भी इसकी ज़बरदस्त टॉर्क आपको फील होती है, आपको गियर डाउन नहीं करना पड़ता। यानी आपके साथ जो मोटर बाइक अगर आपको कंपनी कर रही है फाइव स्पीड वाली, मैं नाम नहीं ले रहा कौन सी, उसकी थर्ड में भी वो टॉर्क नहीं मिलेगी जो इसकी फिफ्थ में है। जी, मेन पॉइंट ये है जो मैंने नोट किया। और चढ़ाई पर पता चलता है इसका कि ज़बरदस्त है। और थोड़ा सा कल मैंने थोड़ा भगा के भी देखा, वाइब्रेशंस बहुत कम है, क्योंकि शायद फ्रेम स्ट्रॉन्ग है, और डेफिनेटली इंजन का भी फर्क है। अगर कोई कहे कि नहीं वो इंजन है और पांच गियर लगा दिए, नहीं, डिफरेंट है अंदर, डेफिनेटली मैकेनिज्म डिफरेंट होगा। अब जो मैकेनिक हैं उनको ये पता होगा कि क्या फ़र्क है ये, लेकिन बाद में आएगा फ़र्क, क्योंकि अभी ये इतनी कॉमन नहीं हुई मोटर बाइक। तो ये मैंने ख़ास कल बहुत दफ़ा नोट किया कि फिफ्थ गियर से मुझे इसको फोर्थ में भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जहाँ के दूसरी मोटर बाइक को इसकी नस्बत थर्ड गियर में लाना पड़ता था, और उसके बावजूद वो पावर नहीं मिलती जो ये OHV इसका इंजन दे रहा है। और जी बिल्कुल नोट किया कि साउंड नोट तो वाकई फ़र्क है, काफ़ी डिफरेंट है नॉर्मल वाले CG125 से, मैंने पहले ही बताया, लेकिन बंदा जब ब्रेव करता है और आपको दूसरे भी बताते हैं कि मोटर बाइक की आवाज़ डिफरेंट है, तो अब वो, क्योंकि देखने में जो इसका साइलेंसर है वो तो बिल्कुल दूसरी CG जैसे, लेकिन मे भी ये स्ट्रोक की वजह से जो CG125 जो ये वाला है और जो दूसरा नॉर्मल, उसका कोई डिफरेंस है कोई इंजन का, जिसकी वजह से इसकी साउंड नो डिफरेंट है, सॉलिड टाइप है, सॉलिड आवाज़ देता है। बहरहाल जो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ इसकी इम्प्रेस की कि फिफ्थ गियर भी ज़बरदस्त, और मैंने नोट किया कि पहाड़ों के लिए, पहाड़ों में आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल जाती है कि पांच गियर है तो आप किस गियर पे जाना चाहते हैं वो ज़्यादा ऑप्शन मिल रही है। और व्यूअर्स जी बिल्कुल, यानी अभी ये 319 और मेरा ख़्याल है मैं जहाँ ही ख़त्म करूँगा मे बी 322-323 तक, तो ये 300 किलोमीटर्स का मैं आपसे ख़ास शेयर करना चाहता, जो कि बड़ी डिफरेंट मुझे और बड़ी प्लेजेंट और बड़ी जानदार राइड इसकी है। और वाकई व्यूअर्स ये बहुत अच्छी चीज़ होंडा ने निकाली है। अब आई होप के
इसको ज़्यादा से ज़्यादा ले आए मार्केट में, और कि जो भी लेना चाहे उसे इजीली मिल जाए। नो, रेड लाइट आ गई। मेरा था कि मैं क्रॉस कर लूं, लेकिन ऐसा नहीं, और करनी भी नहीं चाहिए कभी भी व्यूअर्स। तो जी मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं जी ग्रिड है ये वापडा का। तो ये ज़रूरी था व्यूअर्स आपसे शेयर करना। और आम तौर पर यहाँ रेड लाइट ये ऐसी है कि यहाँ सब्र नहीं करते, अच्छा जी। तो व्यूअर्स बस जाते जाते आपसे यही कि ज़बरदस्त है बिल्कुल, मैं 100% ये मोटर बाइक रिकमेंड कर रहा हूँ और कर सकता हूँ कि यू विल नेवर रिग्रेट कि चलाएंगे तो बिल्कुल इसकी राइड और है। अब एक आध किसी ने चलाई है और वो चलाकर परेशान हो गए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, और वो अब इसमें हैं कि अब क्या होगा। तो व्यूअर्स ये यहाँ पे एंड हुआ, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।